In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum students, hope you are doing well. Today our topic is saving water and land, and objectives are: you will be able to recognize the importance of forests for them, suggest ways to reduce deforestation. Students, what we learned yesterday? Now tell me, how can we save water while brushing teeth? Very good. Turn off the water tap while brushing teeth. Teeth brush karte hue water tap band rakhein. Is cutting down too many trees good for environment? No, cutting down too many trees is not good for environment. Why are people cutting trees? Excellent, to get wood and to construct houses. Open your book, page number 48. Let's start reading. Father, can you tell me the importance of trees? Abbu, क्या आप मुझे दरख्तों की अहमियत बता सकते हैं? His father explained, उसके अब्बू ने वजाहत की. Trees release oxygen we need to live. Trees oxygen release करते हैं जिसकी हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है. Many animals and birds live in trees. बहुत से परिंदे और जानवर दरख्तों पे रहते हैं. They provide us with fruits, nuts and seeds. ये हमें फल, nuts और seeds provide करते हैं. Nuts means सख्त छिलकों वाले मेवा जात जैसे बादाम, अखरोट, मूंगफली वगैरह. They absorb rain water and prevent floods. ये पानी को जज्ब करते हैं और सैलाब से बचाते हैं. द वुड फ्रॉम ट्रीज इज़ यूज टू मेक मैनी थिंग्स सच एज पेपर, मैच स्टिक्स, फर्नीचर एट्सेट्रा. दरख्तों से हासिल की जाने वाली लकड़ी बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि पेपर, मैच स्टिक्स, फर्नीचर वगैरह. मैच स्टिक्स लकड़ी से बनी हुई स्टिक्स जो आग जलाने के लिए यूज़ होती हैं. लुक एट द नेक्स्ट पेज. कैन यू लिस्ट सम अदर यूजेज ऑफ फॉरेस्ट? क्या आप मुझे फॉरेस्ट के कुछ और यूजेज बता सकते हैं? यस, वेरी गुड. फॉरेस्ट से हासिल होने वाली लकड़ी को हम आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं, घर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. फॉरेस्ट में हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिन्हें हम मेडिसिन्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं. वेज टू रिड्यूस डीफॉरेस्टेशन. डीफॉरेस्टेशन को कम करने के तरीके. वी शुड ग्रो एज मैनी ट्रीज एज वी कैन. हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए जितने हम लगा सकते हैं. जैसा कि इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, एक गर्ल और एक बॉय न्यू प्लांट लगा रहे हैं, तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा न्यू प्लांट्स लगाने चाहिए. वी शुड टेक केयर ऑफ ट्रीज इन आवर नेबरहुड्स. हमें चाहिए कि हमारे करीब मौजूद ट्रीज़ की हिफाजत करें. वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेपर टॉवल्स एंड टिश्यूज दैट आर मेड आउट ऑफ वुड. हमें पेपर टॉवल्स और टिश्यूज़ का यूज़ कम करना चाहिए जो लकड़ी से बनते हैं. कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ रिड्यूसिंग डीफॉरेस्टेशन? क्या आप डीफॉरेस्टेशन को कम करने के कुछ और तरीके बता सकते हैं? वेरी गुड. वी शुड नॉट कट टू मैनी ट्रीज
और हमें घर बनाने के लिए भी लकड़ी का यूज़ कम करना चाहिए। लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ आर टॉपिक। वी शुड नॉट वेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज। हमें नेचुरल रिसोर्सेज को ज़ाया नहीं करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, जैसा कि वाटर, फॉरेस्ट एटसेट्रा। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। वी शुड नॉट वेस्ट इट। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, तो हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। Forests have great importance as we get many benefits from them. Forests हमारे लिए बहुत अहम हैं क्योंकि हम इनसे बहुत से फ़ायदे हासिल करते हैं। We should plant as many trees as we can. हमें ज़्यादा से ज़्यादा plants लगाने चाहिए जितने हम लगा सकते हैं। Do you know? क्या आप जानते हैं? Forests are called the lungs of the earth. फॉरेस्ट हमारी ज़मीन के लंग्स कहलाते हैं। बिकॉज ट्रीज टेक कार्बन डाइऑक्साइड आउट फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट ऑक्सीजन। क्योंकि ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं। Let's go through all the points that we have learnt in today's class. Tell me, students, from where we get oxygen, wood and fruits? Well done, we get oxygen, wood and fruits from trees. What is deforestation? Excellent, cutting down forests or group of trees is called deforestation. फॉरेस्ट और बहुत ज़्यादा दरख्तों को काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। हाउ वी कैन रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन? हम डिफॉरेस्टेशन को कैसे कम कर सकते हैं? वेरी गुड, वी शुड ग्रो न्यू प्लांट्स। हमें नए पौधे लगाने चाहिए। वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ वुड और लकड़ी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ओपन योर बुक पेज नंबर 50। आइए अब हम बुक एक्टिविटीज़ करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर वन इज़ फॉरेस्ट रिलीज डैश वी नीड टू लिव। फॉरेस्ट क्या रिलीज करते हैं जिसकी हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड? नो। नाइट्रोजन? नहीं। ऑक्सीजन? यस, वेरी गुड, ऑक्सीजन। वी फील थर्स्टी इफ़ वी डोंट ड्रिंक। हम प्यास महसूस करते हैं अगर हम ना पिएं। जूस, टी, वाटर। जूस? नो। वाटर? यस, वाटर। नंबर थ्री इज़ वी कैन नॉट लिव विदाउट डैश। हम किसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते? वाटर, फॉरेस्ट, माउंटेन्स। वेल डन, वाटर। हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। नंबर फोर इज़ Trees provide us with dash, nuts and seeds. दरख्त हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? Nuts, seeds और iron provide करते हैं। Fruits provide करते हैं। Yes, very good. Fruits provide करते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम ट्रीज़। हम दरख्तों से बहुत सी चीज़ें हासिल करते हैं। लिस्ट देम इन द गिवन बॉक्सेस। उन्हें दिए गए बॉक्सेस में लिखिए।
आप मुझे बताइए हम ट्रीज से क्या क्या हासिल करते हैं। वेरी गुड। ऑक्सीजन, राइट विद मी। ऑक्सीजन, वुड, और ये हमें शेड भी देते हैं। शेड मीन्स साया। राइट विद मी, शेड। शेल्टर, ट्रीज हमें शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। शेल्टर, और हमें ट्री से क्या मिलता है? एक्सीलेंट, फ्रूट्स। राइट विद मी, फ्रूट्स। और सीड्स। राइट विद मी, सीड्स। रिपीट विद मी, ऑक्सीजन, वुड, शेड, शेल्टर, फ्रूट्स, सीड्स। शेल्टर, जैसे कि बर्ड्स अपने नेस्ट बनाते हैं ट्रीज पे, वो उनकी शेल्टर होती है। होम असाइनमेंट इज प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग बुक पेज नंबर 48, 49 एंड सॉल्व बुक एक्टिविटीज पेज नंबर 50। Our today work is completed. Take care of yourselves. Allah Hafiz.